बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो शुकराना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। नौतनपुरी से लेकर पद्मावतीपुरी तक बीतक संपूर्ण हुई। अब है मंगलाचरण। अव्वल हक के दिल में खेल देखाऊं रुहन। प्रणाम सुंदर साहब जी। कल की चर्चा में हमने पन्ना जी के वृत्तांत को सुना, किस प्रकार श्री जी को हाथी पर बैठा कर महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के सेनापति बनकर राठ खड़ोल जलालपुर होते हुए कालपी पहुंचते हैं, कैसे कालपी के मौलवियों से कुरान पर कयामत के निशान पर बात होती है, किस तरह से वो महजरनामा लिख करके देते हैं, किस प्रकार कालपी से आगे बढ़ने के बाद चित्रकूट का राजा वसंत सुर्खी आकर के मिलता है सिंवड़े नामक स्थान, वहां से श्री जी को एक वर्ष के लिए वो अपने वचनों में बांध कर चित्रकूट ले जाता है श्री जी की सेवा के लिए, और वहां से एक वर्ष के बाद पुनः पन्ना जी लौट आते हैं। कैसे महाराजा छत्रसाल जी पर जिन जिन ने बुरी दृष्टि की थी, चाहे वो ओरछा के राजा हो, चाहे मिठू पीर ज्यादा हो, चाहे दौवा हो, चाहे राणा प्रताप सिंह हो, इन सभी को कैसे परास्त होना पड़ता है, ये सारी वितक शुकराना के रूप में भी कल हमने श्रवण की। अब आगे मंगलाचरण का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूह। ये श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में लगभग 10 वर्षों तक घटित होने वाली लीला का वर्णन करने जा रहा हूं। इस प्रकरण के बाद अष्टप्रहर की सेवा प्रारंभ होती है, और सेवा प्रारंभ करने से पहले इस मंगलाचरण को यहां पर कहने का भाव यह है कि जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री जी की सेवा की, उन ब्रह्मात्माओं का परिचय क्या है, और श्री प्राणनाथ जी का परिचय क्या है, जिनकी सेवा की जा रही वो कौन है, तथा जो सेवा कर रहे हैं वो कौन है, दोनों का परिचय इस मंगलाचरण में दिया, और उसी की भूमिका में कह रहे हैं कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रुहन। अव्वल अर्थात प्रारंभ में, सबसे पहले राज जी ने हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की बात विचार की, जिससे कि इश्क रब्द की प्रेम संवाद की भूमिका बनी। चूंकि ये बीतक हम प्रारंभ के दिन में भी सुन चुके हैं, इसलिए मैं इसको व्याख्या न करते हुए संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। श्री लालदास जी कहते हैं कि मंगलाचरण के रूप में चाह करे खेल देखन की मैं बरजो तीन बेर। राज जी ने कहा कि ब्रह्मात्माओं ने खेल देखने की चाहत की, इच्छा व्यक्त की, और मैंने तीन बार मना किया, त्यों त्यों मागे फेर फेर रबद चढ़ी सिर में। ब्रह्मात्माओं के हृदय में इस मायावी खेल को देखने की जो इच्छा उत्पन्न हुई थी वो बढ़ करके सुमेरु पर्वत के समान हो गई थी, अर्थात बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसलिए राज्य के बार बार मना करने पर भी, तीन बार मना करने पर भी हम नहीं माने, और जिसके परिणाम स्वरूप हम ब्रज में आए, रास में आए, और तीसरा यह जागनी का ब्रह्मांड है। ब्रज और रास के बाद भी
खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण हमें इस जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा। और हम कहाँ पर आए? कहते हैं, तब लिया हके दिल में एजो 14 तब। इस 14 लोक के मंडल को राज्जी ने अपने हृदय में लिया और उसमें भी इस मृत्यु लोक में जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में भी भरतखंड और उसमें भी भरतखंड में भी बुंदेलखंड को राज्जी ने अपने हृदय में लिया कि वहां पर ब्रह्म लीला होनी है, वहां पर जागनी रास की लीला होनी है। क्या कहते हैं कि ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश, छत्रपति नमे नेह सो राय राणे पृथ्वी के नरेश। पन्ना जी की महिमा में यहां कहा जा रहा है कि एजो खंड बुंदेल कायम सिफत तिनकी, जो तीसरा तकरार लैल। इस जागने के ब्रह्मांड में उस बुंदेल खंड की अत्यंत महिमा है। और उस बुंदेल खंड की महिमा क्यों है? कहते हैं, तामे सिरे सिरदार की एजो परना ठोर। बुंदेल खंड में भी सब सर्वाधिक महत्व किसका है? पन्ना जी। और पन्ना जी में भी कहते हैं, तीन में सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर और। छत्रसाल जी के तुल्य सेवा किसी ने भी नहीं की, इसलिए उनके जैसी महिमा किसी और की नहीं है। और उन्होंने जिनकी सेवा की, साथ में और ब्रह्मात्माओं ने मिलावा सैयन का, तामे हुकम सिरदार हकी सूरत धनिय की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने ब्रह्मात्माओं से प्रेम किया और ब्रह्मात्माओं ने उस हकी स्वरूप से प्रेम करके सेवा की, कहते हैं, इन स्वरूप की इन जुबां कही न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबां हद। जिस स्वरूप की सेवा की जा रही है, जिसका वर्णन आगे आने वाला है, उनकी महिमा का वर्णन इस संसार में इस जिह्वा से कैसे की जाए, संसार के नश्वर और लौकिक शब्दों से कैसे की जाए। प्राणनाथ जी की महिमा तो ऐसी है कि उनकी महिमा का वर्णन करने पर भी महिमा कम हो जाती है। क्या कहते हैं, इन मोती को मोल कहियो न जाए, न किन्हू काना सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। ये प्राणनाथ जी की महिमा है। यदि हम ये कहें कि प्राणनाथ जी की महिमा इतनी है, तो वह भी सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। इसीलिए निश्चित वर्णन तो इस संसार में हो नहीं सकता, क्योंकि वे शब्दातीत हैं, शब्दातीत के भी पार हैं। लेकिन संसार में ब्रह्मात्माओं को उनका परिचय देने के लिए इस संसार के शब्दों में दुनिया के उदाहरणों से कहना पड़ रहा है। जिन ब्रह्मात्माओं ने, सोचिए, प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन न करते हुए उनकी सेवा में जो सुंदर सा शामिल थे उनकी महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सैयन। श्री जी की सेवा में जो सुंदर साथ तल्लीन थे, उन्होंने उनके चरणों की कृपा से परमधाम के सागरों की अनगिनत लहरों का आनंद लिया, और वो भी पल पल लिया। किसने लिया? जो सेवा में शामिल करते जो इन तन, उस तन की जिन्होंने सेवा की, लेकिन तन के भाव से नहीं, शरीर के भाव से नहीं कि मिहिर राज जी का शरीर है, इस भाव से सेवा नहीं कर रहे हैं। किस भाव से कर रहे हैं? शब्दातीत, अक्षरातीत, साक्षात स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान करके। और कहते हैं, एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान।
श्री जी की यदि किसी ने एक पल की भी सेवा सच्चे दिल से की है तो उन्हें भी वह सुख प्राप्त हुआ कि इस संसार की जिह्वा से उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ये प्रसंग विशेष रूप से मंगलाचरण और अष्ट प्रहर की सेवा उन सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है जो श्री प्राणनाथ जी को एक सामान्य संत कवि गुरु भक्त शिरोमणि या किसी संप्रदाय के प्रचारक या प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। ब्रह्मात्माओं ने क्या पहचान के सेवा की है, महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी कैसी पहचान करके सेवा की है? जब से पहुंचे हैं तब से आज तक हम यही तो सुनते आ रहे हैं कि एही अक्षराती थे एही धनी धाम एही मोहम्मद मेहदी ईसा एही पूरे मनोरथ काम साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चिन्हा तुम्हें बनाए श्री ठकुरानी जी साथ संगले पधारे मेरे घर धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मातवर पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे शिव सनकादिक आदि के इंचित शेष न पावत पारे। ये किसकी महिमा है? ये प्राणनाथ जी की महिमा है। जहां ये कहा जा रहा है कि उस स्वरूप की यदि किसी ने एक पल भी सेवा की है तो उस सेवा के सुख का भी वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और यहाँ तो उन सुंदर साथ ने 10 वर्षों तक पन्ना जी में निरंतर सेवा की, इससे पहले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सेवा वहां पर भी की। और कहते हैं तीन सईयों की सिफत क्यों सके कोई कर, उन ब्रह्मात्माओं की महिमा कैसे कहां तक कोई वर्णन कर सकता है। लेकिन राज्य का हुक्म है और हुक्म क्यों है, बीतक क्यों लिखाई गई, हम प्रतिवर्ष बीतक क्यों सुनते हैं, ताकि ये सीख सकें कि श्री प्राणनाथ जी कौन है, श्री देवचंद्र जी कौन है, अक्षरातीत को रिझाना कैसे है, सेवा कैसे करनी, समर्पण कैसे करना है, पहचान क्या होनी चाहिए, प्रेम सेवा कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें, ये सारी बीतक सिखाने के लिए ही राज्य के हुक्म से महामति श्री लालदह जी कहते हैं कि तीन सईयों की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुक्म कहवे धनी का ए सिफत सब ऊपर। राज्य के हुक्म से ही ब्रह्मात्माओं की जो महिमा जो कि सर्वोपरि है, उनसे बड़ी महिमा किसी की है ही नहीं, उस महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और उनमें भी जिन सुंदर साथ ने श्री जी की सेवा करते करते अपना अपने तन को न्योछावर किया, अपना नश्वर तन छोड़ा, कहते हैं उनकी शोभा का वर्णन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तामे सेवा कर जो संग चले ताकि सुमार न आवे सिफत, ए तो भाई बकामिने ए कहनी जुबा हद। उनकी महिमा का वर्णन तो परम धाम में किया जाएगा। जिस प्रकार हम ब्रह्मवाणी में सूत गादने के प्रसंग को पढ़ते हैं, उसकी चर्चा सुनते हैं, जैसे हांसी की बात सुनते हैं, तो जो सुंदर साथ ब्रह्मात्मा का दावा करके या जो भी ब्रह्मात्माएं हैं वास्तव में, और माया में आने के बाद भिन्न भिन्न कारणों से या तो कभी उनका ईमान डगमगा जाता है, पूर्ण पहचान नहीं हो पाती है, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना निकल आता है हंसी का। वैसे तो वाणी कहती है कि हंसी सबकी होनी है, किसी न किसी प्रकार से राज्य बहाने निकाल रहे हैं, लेकिन बड़ी हंसी कैसे ब्रह्मात्माओं की होगी। जैसे रतन बाई ने अपने पहले जामे के साथ किया बिहारी जी के रूप में, शाकुमार ने औरंगजेब के तन में रहते हुए कैसे किया, ऐसी ऐसी चीजों की हंसी होनी है। और इसी तरह से सेवा की बात भी कैसे होगी। सूत काटने के प्रसंग में एक दृष्टांत आता है कि जिन्होंने यदि पुनी भी हाथ में नहीं ली है
तो उन्हें वहां पर परम धाम में जागृत होने के बाद भी सिर नीचा करना पड़ेगा, और जो अपने हिस्से का भी सूत काटती हैं और दूसरी ब्रह्मात्माओं को भी उसके लिए प्रेरित करती हैं, तो वो वहां पर धाम में उनका मुंह ऊंचा होगा, राज्य से नजर मिला करके बात कर पाएंगे। तो यहाँ श्री लालदास जी यही बात कह रहे हैं कि ए तो भई बकामिने ए कहने जुबा हद। यहाँ हद की जुबा से वर्णन तो नहीं हो सकता, पर परम धाम में उसको याद किया जाएगा। पर आज्ञा कहावत है इत मैते कछु नाही। लालदास जी कहते हैं कि मेरे से तो वर्णन हो पाना संभव नहीं था, पर धनी की आज्ञा से मैं सुंदर साथ के द्वारा जो सेवा की गई उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। और जो भी उस सेवा को याद करेंगे और उस सेवा के अनुरूप उन ब्रह्मात्माओं ने जिस राह पर कदम रख कर के हमें दिखाया है उसके अनुरूप यदि हम कदम रखते हैं तो इत भी धन होंगे और उत भी धन होंगे। इस प्रकार श्री जी के स्वरूप की पहचान यहां पर श्री लालदास जी ने कराई और कहते हैं कि तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में और कत्य पक्ष में दोनों में किया है। पर सेवा करने वाले कौन है? जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोहबत तिनको दीदार जो करे ताकि न आवे जुबा सिफत। जिन ब्रह्म सृष्टियों ने सेवा की, जिनको वास्तव में सुन्नत जमात कहा गया है, कहते हैं उनकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसी प्रकार की बात की कि इनकी सिफत सुकजी कहें और शास्त्रों वेद व्यास त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखें। श्री जी की सेवा जिन ब्रह्मात्माओं ने की उनकी शोभा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि सुखदेव जी तथा व्यास जी ने भी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म मुनियों के चरण रज त्रिगुण भी पाने की इच्छा करते हैं। जैसा कि भागवत के 40 प्रश्नों में से एक प्रश्न आता है कि भागवत में भगवान जी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुनि है वो मुझे त्रिदेवों तथा स्वयं की आत्मा से भी प्रिय हैं और मैं उनके चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। और इसी बात को ब्रह्मवाणी क्या कहती है कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण। और उन ब्रह्मात्माओं ने अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की सेवा की। श्री लालदास जी कह रहे हैं कि जब त्रिगुण की ही बात आ गई तो इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं, और नाम केते लेऊं ब्रह्मांड के धनी ऊपर सब कोई सेवे स्नेह सो अपना इष्ट चित्त धर। सभी सुंदर साथ श्री जी को अपना इष्ट मानकर अपने आराध्य मान करके श्री जी के स्वरूप की पहचान करके सेवा करते हैं और कहते हैं कि अब तो इत कहवे को रहियो न कोई ठौर रही बात बका अर्स की सो सिफत है जोर। अब इसके ऊपर क्योंकि ब्रह्मात्माओं की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जब त्रिदेवों का ही नाम आ गया कि वे भी ब्रह्मात्माओं की चरण धूलि चाहते हैं, तो इससे ऊपर अब हम और कौन सा उदाहरण दें। उन्होंने जो सेवा की इनकी जो बीतक भई ताकि नेक कहो जहूर। जो पन्ना जी में बीतक घटित हुई, श्री लालदास जी कहते हैं कि धाम धनी की आज्ञा से उनके हुक्म से मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। ए सागर सुख अनगिनती सो कहियो न जावे नूर। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में सुंदर साथ ने सेवा से राज्य को रिझाया और राज्य के हृदय में जो सुखों का आनंद का प्रेम का अनंत सागर प्रवाहित हो रहा है
उसका जो आनंद लिया, अनगिनत आनंद लिया, उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता है। कहते हैं एक कहावे हक का हुक्म, जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो भी राज्य के हुक्म से ही वर्णन करने जा रहा हूँ, और वो भी किस लिए कि आगे आने वाले सुंदर साथ उन ब्रह्मात्माओं को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में न्योछावर किया और उन्होंने इस प्रकार सेवा की। कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस सुगंधि को लेता है, सेवा की सुगंधि को लेता है, तो इस संसार के समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। विकार सारी विश्व का मिटसी इन खुशबुए, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट हो। इस बीतक को यदि संसार के सभी लोग सुनते हैं तो उन्हें जागृत करने में, उन्हें एक निजानंद के झंडे के नीचे लाने में और कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक, खोले द्वार मार्फत के, पाया सबों ने हक। ऐसी अवस्था में पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जागृत बुद्धि के निजानंद के ज्ञान का शोर मच जाएगा, हकीकत मारिफत के द्वार खुल जाएंगे और सभी लोग उस अक्षरातीत का दर्शन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद अब भविष्य की बात बता रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ, समस्त संसार में निजानंद का ज्ञान फैला, तारतम्य ज्ञान का प्रचार हुआ, तो क्या होगा कि शोर पड़ा संसार में, तब भया एक ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जलाल। अक्षर की जो नींद है, अर्थात जो अक्षर के मन ने ये संकल्प लिया है, वो मोह सागर में प्रतिबिंबित हुआ है, उसकी नींद समाप्त होने का तात्पर्य है कि इस संसार का प्रलय हो जाएगा और उस समय क्या होगा, सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे, होए इत खुशाल। ब्रह्म सृष्टिया अपने रंग महल में, मूल मिलावे में, अपने अपने परात्म में जागृत होंगी, खेल देख करके पुनः वापस लौटेंगी। पर यह सब कैसे संभव होगा, जब समस्त विश्व के लोग इस बीतक को सुनेंगे। सुंदर साथ ने जो सेवा की उनकी महिमा, अर्थात जब ब्रह्म सृष्टियों की और ब्रह्म की पहचान इस दुनिया में फैलेगी, तब जाकर सभी लोग जागृत होंगे और हम सब परम धाम में अपने परात्म में जागृत हो पाएंगे। ये मंगलाचरण है, ये अपनी बीतक है, ये हम सुंदर साथ की बीतक है। कभी कभी हमारे समाज में विभिन्न विषयों में विवाद चलता रहता है। कहते हैं कि कुछ लोग परंपराओं की खंडनी करते रहते हैं, कुछ लोग सेवा पूजा नहीं करते, कुछ लोग मंत्र जाप नहीं करते, कुछ लोग मेहर सागर का पाठ नहीं करते, कुछ लोग पारायण नहीं रखते, या रखते भी हैं तो गिनती के दो चार रखते हैं, जबकि रखना कितना चाहिए, 108 पारायण होने चाहिए, 1008 पारायण होने चाहिए, ये हमारी परंपरा है, इस तरह की बात की जाती है। जबकि हमारी परंपरा क्या है, ब्रह्म सृष्टियों की परंपरा यदि हमें देखनी है तो बीतक में देखनी होगी, और बीतक में जहां तक मैंने समझा है, इतने वर्षों से बीतक करते हुए, बीतक पढ़ते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मुझे कहीं पर भी इस प्रकार की परंपरा का वर्णन नहीं मिला है। मैंने कहीं पर यदि परंपरागत रूप से किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात पढ़ी तो वो है प्रेममयी चर्चा, कि चर्चा की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से वाणी मंथन की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए, चितवनी की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए, और सेवा की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। ये हमारी परंपरा है। इन जो वास्तविक परंपराएं हैं उनको तो हमने त्याग दिया और उसका स्थान हमने किसको दिया, कर्मकांडों को। मैं ये नहीं कहता कि सेवा पूजा मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि पारायण मत कीजिए, पर इन सब का
अस्तित्व कितना है, इन सब का औचित्य क्या है पहले वो तो समझे। सेवा पूजा एक प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई है, प्राइमरी क्लास इसको समझ सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिन्हें अभी वाणी अच्छे से समझ में नहीं आती है, या जिन्हें चितवनी की पद्धति समझ में नहीं आती है, जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि चितवनी क्या होता है, ध्यान क्या होता है, तो उन्हें सेवा पूजा कराई जाए जिससे कि संस्कार बने रहें, जिससे कि उन्हें कुछ चौपाइयां याद हो, उन्हें राजश्यामा जी का जप कराया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जप के साथ साथ में यदि अर्थ की भावना भी समझेंगे, जैसा कि योग दर्शन में कहते हैं तत् जपस तदर्थ भावनम, अर्थ भी यदि हम समझ जाएंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होता जाएगा। बाद में ध्यान के लिए सहायक हो सकता है, पर तब होगा जब ध्यान करना चाहे। यदि कोई ये कहे कि नहीं हम तो जप करते हैं, हमारे लिए ध्यान की चितवनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये वास्तव में परंपरा का हनन करना तो तब हुआ ना। देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के बाद उन्होंने जो परंपरा चलाई थी उसे श्री जी ने आगे निरंतरता दी और क्या कहा कि तहां चितवनी धाम की करत है सब कोई स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के बाद भी चितवनी कराई जाती है, राज्य के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, चर्चा की जाती है, सुबह सुबह उठ करके सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, शाम को आने के बाद भी चर्चा सुनाते हैं, सेवा कराई जाती है, ये हमारी परंपरा है। अष्ट प्रहर की बीतक में आगे हम सुनेंगे कि किस तरह से सुबह के 6 बजे से लेकर के पूरे दिन की और फिर रात भर की जो सारी सेवा है, किस प्रकार उस अष्ट प्रहर में 10 वर्षों तक सुंदर साथ ने किस परंपरा को निभाया, सुबह उठने से लेकर के अगले दिन सुबह होने तक, उसमें सेवा की परंपरा है, चितवनी की परंपरा है, ब्रह्मवाणी की चर्चा की परंपरा है, ब्रह्मवाणी के गायन की परंपरा है, और यदि आरती का वर्णन हो रहा है तब भी वहां पर देखें कि आरती किसकी हो रही है, साक्षात अक्षरादि तो वहां पर विराजमान है और उनकी आरती हो रही है, और उस आरती में भी भाव क्या लिया जा रहा है, तन दीपक मह ज्योति करूं प्रेम घृत लौला है, हमारा भाव किस में होता है पता है, मैं अभी से बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। जैसे बीतक की समाप्ति के दिन जब आरती की जाएगी ना, या इससे पहले तो की ही है सब सुंदर साथ ने, उस समय सुंदर साथ का ये भाव नहीं होता कि तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घृत लौ लाए, सुंदर साथ का भाव होता है कि जिस लय में सब लोग ऊपर उठ रहे हैं और जिस लय में सब लोग नीचे झुक रहे हैं, उस लय के साथ मुझे भी लय बनाना है, कहीं मैं ऐसा न लगूं कि मुझे आरती ढंग से करनी नहीं आती है, पहला ध्यान उसमें रहता है। दूसरा ध्यान रहता है नीचे झुकने के बाद कितनी बार घुमाना है और खड़े होने के बाद ऊपर उठने के बाद मुंह के सामने चेहरे के सामने कितनी बार आरती घुमानी है, उसमें ध्यान रहता है। तीसरा ध्यान रहता है कि थाली में मैंने कुछ चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया है, या आपने चढ़ाया होगा तो ध्यान रहेगा कि मैंने तो 50 रुपये चढ़ाया है और फलाने ने 10 रुपये चढ़ाया है, उस पर ध्यान रहता है। चौथा ध्यान रहता है कि जैसे पहली बार आरती होती है तो आराम आराम से की जाती है, कंचन थाल चहुमुख दिवाला बोल के, लेकिन जब दोबारा आरती करते हैं तो सबको जल्दीबाजी होती है, जल्दीबाजी किस बात की कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, उसके बाद में फिर परिक्रमा है, स्वरूप बोलना है, भोग लगाना है, फिर उधर क्योंकि भंडारा चल रहा होता है तो जैसे जल्दी जल्दी भंडारा निपटा करके फिर अपने अपने घरों में भी जाना होता है, तो ध्यान होता है कि कितनी तेजी से बोला जा रहा है, और उस समय अगर गलती से आरती गाने वाले व्यक्ति ने थोड़ा धीरे गा दिया तो सब लोग कहेंगे अरे जल्दी गाओ जल्दी गाओ, ऐसी आरती का क्या मतलब है। तो इसलिए ये सब औपचारिकता ही है, वास्तव में हमारी परंपरा ऐसी नहीं है।
हमारी परंपरा अष्ट प्रहर की लीला में जो हुई वो है। और कई बार सुंदर साथ जब आरती और भोग के पक्ष में बोलना होता है तो कहते हैं कि सुंदर साथ ने भी तो श्री जी की आरती उतारी थी, तो बाकी साथ में और चीजें भी तो देखें। प्रतिदिन औसतन 6 घंटे की चर्चा होती थी, औसत 6 घंटा न्यूनतम, और अधिकतम कितने घंटे की चर्चा होती है? सुबह के 3 घंटे आप उसको जोड़ लीजिए, और रात को भोजन आरती इत्यादि के पश्चात जब श्री जी चर्चा शुरू करते हैं तो 12 तो आराम से बच जाते हैं। अगर 9 बजे से भी गिन ले तो रात्रि के 2 प्रहर आराम से बीत जाते हैं, कभी कभी 3 प्रहर भी बीत जाते हैं। तो 6 घंटे से लेकर के लगभग 9 घंटे तक की चर्चा चलती है। चलिए ज्यादा मोल भाव न करते हुए 6 घंटे में रख देते हैं। क्या हम प्रतिदिन 6 घंटे चर्चा सुनते हैं? अगर हम यदि आरती की नकल कर रहे हैं तो उसकी भी नकल करें। 6 घंटे क्या, यदि प्रतिदिन 60 मिनट भी चर्चा सुने ना, तो ये वाला विवाद ही ना हो जिसका समाधान में करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो विवाद ही नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होता है। इसी तरह से सुंदर साथ ने किस प्रकार सेवा की, क्या वो होता है? वाणी गाने वाले सुंदर साथ हैं, 14 वारियों में वाणी गायन करते हैं। क्या आज हमारे समाज में वाणी का गायन इस प्रकार होता है? अब धीरे धीरे सुंदर साथ में जागरूकता आई है। जब से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में स्वामी जी ने ये नियम बनाया कि कोई भी ज्ञानपीठ के मंच पर भजन गायन नहीं करेगा, वाणी का ही गायन होगा, धीरे धीरे सुंदर साथ में प्रवृत्ति बनी कि वाणी ही सुननी है। नहीं तो प्रारंभ में हमारे जो ज्ञानपीठ से जुड़े हुए सुंदर साथ भी कहते थे कि वाणी समझ में नहीं आती है जी, भजन तो गाना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अनुशासन तो अनुशासन है, जैसे जैसे वाणी का गायन होता गया अब सबको समझ में आने लगा है, और यहाँ तक कि जिन्होंने तारतम नहीं लिया है वो भी ज्ञानपीठ के मंच पर आकर के वाणी का गायन करते हैं और उन्हें अर्थ समझ में आने लगा है। अब हिंदी में ही नहीं, कितनी भाषाओं में वाणी की टीका उपलब्ध है? 133 नहीं, अब तो 246 भाषा में उपलब्ध हो चुका है। ये जानकारी शायद आपके पास नहीं थी। 240 के आसपास भाषाओं में वाणी की टीका उपलब्ध है। तो अब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वाणी समझ में नहीं आएगी। अब धीरे धीरे सभी लोग वाणी सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत के आधार पर वाणी गायन करना सीखते हैं। तो हमारी परंपरा वो थी जिसको हमने कहीं छोड़ दिया था, अब धीरे धीरे राज्य की कृपा से वो परंपरा वापस आने लगी। अब इस बात को देख करके प्रसन्नता होती है कि जब चितवनी की बात की जाती है, आज से 2 साल पहले तक ज्ञानपीठ में भी जब चितवनी शिविर का आयोजन किया जाता था तो 40, 50, 60 लोग तक होते थे, कभी कभी 100 लोग तक पहुंच जाते थे। अंतिम दिन संख्या थोड़ी अधिक होती थी क्योंकि होली के समय पे सबको रंग खेलना होता था, लेकिन नियमित रूप से चितवनी में बैठने वालों की संख्या कम होती थी। इस बार हमने कुछ नया करने की कोशिश की और नियम पहले से अधिक कठोर रखे। फोन इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आहार भी पहले से अधिक सात्विक करने का प्रयास किया गया, और उसके बावजूद सुंदर साथ की संख्या पहले से 3 गुनी अधिक थी। ये सकारात्मक पक्ष है, लेकिन संतोषजनक नहीं है कि हम इतने से संतुष्ट हो गए कि ज्ञानपीठ के कार्यक्रम में चितवनी होता है तो 300-350 लोग आ जाते हैं फोन बंद करके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से सुन रहा था कि दक्षिण भारत में जिनको सतगुरु के नाम से जाना जाता है, जग्गी वासुदेव, उनके यहाँ पर एक साथ 1 लाख से अधिक लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, और उनके सामने हम खुश हो रहे हैं जबकि हमारे यहाँ 1000 की संख्या भी नहीं पहुंची है। तो बात खुश होने की नहीं है, हाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पर जिस तीव्रता के साथ में होना चाहिए वो तीव्रता नहीं, वो गति नहीं है, क्योंकि हमने जिन परंपराओं को अपनाया था उन परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ने में देरी कर दी है। पर अभी भी समय है हमारे पास, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है,
तो हमें उन परंपराओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है जिसे पन्ना जी में उन ब्रह्म मुनियों ने 10 वर्षों तक निभाया था, जिसका वर्णन अब आगे कर रहे हैं। और प्रथम प्रहर की बीतक का वर्णन करते हुए श्री लालदास जी कहते हैं कि सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, ये प्रथम प्रहर है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं और उस दृष्टि से एक प्रहर में 8 घड़ी होती है, तो एक घड़ी में लगभग 22.5 मिनट। इस प्रकार एक दिन में 24 घंटे और 3 घंटे से भाग दिया जाए तो दिन भर में 8 प्रहर होते हैं और 64 घड़ियां होती हैं। प्रातः लगभग 6 बजे से लेकर के, लगभग मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय आज की तरह 6 बजे 7 बजे ऐसा वाला हिसाब नहीं था, आज समझाने के लिए कहा जाता है ना, तो सूर्योदय के साथ में या सूर्य की पहली किरण के साथ में दिन के प्रथम प्रहर की गणना की जाती थी। तो 6 बजे से मान कर चलते हैं प्रथम प्रहर प्रारंभ होता है जो कि 9 बजे तक चलता है। इस प्रकार 6 से 9 तक प्रथम, 9 से 12 द्वितीय, 12 से 3 तृतीय और 3 से 6 बजे तक चतुर्थ प्रहर, ये दिन के 4 प्रहर हो गए। इसी प्रकार रात्रि के 4 प्रहर हैं, वो भी 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो इस तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक की घटनाक्रम को अष्ट प्रहर की सेवा कहकर वर्णित किया है, जिसमें प्रथम प्रहर का वर्णन कर रहे हैं। आप स्वयं कल्पना करके देखिए, क्योंकि मैं समझने के लिए आसान बनाना, क्योंकि आप कल्पना करेंगे तो हो सकता है कि श्री लालदास जी के भाव को और सरलता पूर्वक समझें। सुबह 6 बजे अमूमन क्या होता है, लोग अपने अपने बिस्तर पर होते हैं सामान्य रूप से, और जब हम 8 प्रहर की बीतक एक बार सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पूरी रात भर श्री जी सोए नहीं है। 12, 1, 1.5 कभी कभी 2, 3 बजे तक तो चर्चा करते हैं, उसके बाद में समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल चर्चा समाप्त होने के बाद सुंदर साथ चर्चा की अर्चा कर रहे होते हैं, उसे ध्यान से सुनते हैं दूर से ही, और गाने की 14 बारियां हैं तो अपने अपने बारी पर जब भी श्री जी खाली होते हैं आकर के वाणी गायन सुनाते हैं, तो श्री जी सोते नहीं हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी सुंदर साथ की बातों का जवाब देते हैं, कभी विवाद का निराकरण करते हैं। तो इस तरह से पूरी रात भर जगे हैं, तो सुबह के समय में श्री जी अपने बिछोने पर, जिस बिछोने पर श्री जी लेटे होते हैं उसका पहले तो वर्णन कर रहे हैं कि अत्यंत सुंदर सैया है, और जिस सैया पर श्री जी विराजमान है, कहते हैं कि उसकी महिमा का वर्णन भी मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर साथ ने किस प्रेम के साथ में उसे बिछाया है, सोचिए। ये वास्तविक प्रेम है, क्योंकि सेवा किसे कहते हैं, जिसमें प्रेम जुड़ा हो, अगर प्रेम न जुड़ा हो तो फिर काम ही है ना। तो चूंकि प्रेम जुड़ा है और जिससे प्रेम हो जाता है, फिर प्रेमास्पद या प्रेमी के हर चीज से प्रेम हो जाता है, हर वस्तु से, हर आदत से, हर हरकत से प्रेम हो जाता है। तो अब श्री जी जिस बिछोने पर, बिस्तर पर हैं, उसके विषय में कहते हैं कि अत प्यारा लाल पलंग, लाल रंग का पलंग है जिस पर 5 रंगों की चादर है, जिसे सुंदर साथ ने अत्यंत प्रेम और प्रीति के साथ में, प्रेम और प्रीति समानार्थक शब्द हैं, प्रीति पूर्वक अथवा प्रेम पूर्वक सिरदार सुंदर साथ ने तैयार किया है। सेज तलाई कोमल, जो सेजिया है, जो बिछौना है, जो नीचे बिछा हुआ है, वो अत्यंत कोमल है, जिसमें पतली और कोमल चद्दर बिछाई हुई है, और
सिरहाने की तरफ, सिरहाना मतलब जिधर सिर किया जाता है उसको सिरहाना कहते हैं। तो सिरहाने की तरफ तकिए हैं और गाल मसूरिये हैं। गाल मसूरिया किसको कहते हैं? जो सुंदर साहब पहले भी तक सुन चुके हैं वो जानते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि अमूमन लोगों की आदत होती है कि तकिया लगाएंगे उसके बाद भी गाल के नीचे ऐसे हाथ लगा करके सोते हैं, उसमें सुविधा होती है। लेकिन होता क्या है, कुछ समय तक हाथ नीचे रखने के बाद खुद का हाथ भी सुन्न पड़ जाता है रक्त संचार के बंद होने से, झंझनाहट सी आती है। तो सुंदर साथ ने सोचा कि श्री जी को गालों के नीचे अपना हाथ लगाने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे तकिए गाल के नीचे लगाए जा सके ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से तकिए बना करके तैयार किए, जिसको गाल मसूरिया कहा जाता है। कहते हैं सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। जो सुंदर साथ सेवा करने वाले हैं वो श्री जी के दिल के मनोभावों को या दिल के मर्म को समझते हैं कि इसकी आवश्यकता है। श्री जी ने कहा नहीं होगा, कभी कहा नहीं होगा, ये मैं इस हिसाब से कह सकता हूं कि उन्होंने जितना कष्ट सहा उसका 10% भी हम सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि मुझे हाथ गाल के नीचे लगा के सोने में तकलीफ हो रही है तो कुछ बना दो, नहीं। लेकिन सुंदर साथ का भाव है कि जहां जहां तक हमारी बुद्धि जा सकती है वहां वहां तक बुद्धि का प्रयोग करके हम प्रेम सेवा करें। बुद्धि तो हम भी लगाते हैं पर हमारी बुद्धि कैसे चलती है? हमारी बुद्धि चलती है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सेवा करनी ना पड़े। एक कहावत कही जाती है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहोरी करोगी कब। और हम सुंदर साथ क्या कहते हैं, आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दीबाजी क्या करे अभी जीना है बरसों। हमारी नीति क्या है, जो महान लोग हैं उनकी नीति होती है कि काम को कल पर मत टालो, उसे आज ही कर लो क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। ये भी बुद्धि है लेकिन करने वालों के लिए। और हम लोग बुद्धि लगाते हैं और क्या कहते हैं कि आज अगर कोई काम तुम्हारे सामने आए तो उसे आज मत करो, उसे कल के लिए छोड़ो, क्या पता कल उस काम को करने की जरूरत ही ना पड़े। किसी काम को करो तो इस तरह से करो, हमारी बुद्धि कैसे चलती है कि किसी काम को करो तो इस तरह से करो कि सामने वाला कहे कि तू रहने दे भाई मैं खुद कर लेता हूं, हमारी बुद्धि ऐसे चलती है। और सुंदर साथ श्री जी के केवल मनोभाव को समझते हैं और सेवा करते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और बोल करके जो सेवा की जाए तो उनकी अवस्था कैसी होती है, हमने गांगजी भाई जी की अवस्था में देखा। गांगजी भाई जी की बीत तक में पूछ पूछ करके सेवा करती थी गांगजी भाई जी की धर्मपत्नी, तो गांगजी भाई जी ने कहा कि नहीं आप पूछो मत, आप रहने दो, और उनको भेज दिया। मायके पहुंचा आए और फिर लेने ही नहीं गए। हम यदि लक्ष्य को अपना मानते हैं तो हमें सेवा के अनेक बहाने मिलते रहते हैं। मैं देखता हूं कई बार ज्ञानपीठ में, कहना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से कोई मत लेना, अगर व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लेने की जरूरत है तो कोई बात नहीं ले सकते। तो कई बार क्या होता है कि ज्ञानपीठ में सुंदर साथ आते हैं और पूछते नहीं है कि कहां सेवा करनी है, अपने आप देखते हैं कि यहाँ पर घास बड़ा हुआ है, खुरपी उठाते हैं, फावड़ा उठाते हैं और अपनी सेवा में लगे रहते हैं। और कभी झाड़ू उठा रहे हैं, कभी बाल्टी उठा रहे हैं, कभी बर्तन उठा करके धोने की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग तरह की सेवा करते हैं। एक होती है ये सेवा। दूसरी सेवा कि दूसरा तरीका ये भी होता है कि कई बार सुंदर साथ ज्ञानपीठ में आते हैं, उसके बाद में एक दो दिन, चार दिन, आठ दिन, दस दिन, मन ही मन सोचते हैं कि तब तक सींक न तोड़ी जाए जब तक कि सामने से आकर के न पूछे कि सुंदर साथ जी आप किस लिए आए हैं।
जब पूछा जाएगा उसके बाद कहेंगे कि नहीं, हमारे मन में सेवा करने की इच्छा है। इसे सेवा नहीं कहते। वाणी क्या कहती है? मुख थी सेवा तूने सु कहूं, जेतु अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। यदि हमारे मन में सेवा की भावना होती है तो हमें किसी के द्वारा टोके जाने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, या हम अगर इच्छा है और उपाय नहीं मिल रहा है तो फिर जाकर के पूछेंगे कि हमारे मन में सेवा की इच्छा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं ये सेवा कर सकता हूं। इस तरह से सामने से जाकर के पूछा जाएगा। लेकिन कई बार सुंदर साथ, दूसरे तरह के सुंदर साथ अधिक आते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, हम ज्ञानपीठ में रह रहे हैं और आकर के रहना ही ज्ञानपीठ पर उपकार है, हम आकर के रह रहे हैं तो इससे ज्यादा करने की क्या आवश्यकता है। और कुछ सुंदर साथ हैं जो बिना कहे बिना बुलाए आकर के अपनी सेवा संभालते हैं। तो इसलिए सेवा हमें अष्ट प्रहर से सीखने की आवश्यकता है कि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता देख करके वो सेवा करते हैं। आगे क्या कहते हैं? चारों पाए सेज बंध बांधे सनंद कर अत। श्री जी जिस बिस्तर पर है उसके चारों कोनों में रस्सी के द्वारा, पतली रस्सी के द्वारा, ताकि चद्दर उड़े ना, उस पर सिलवट ना पड़े, इसलिए चारों पायों के साथ में उस चद्दर को बांध रखा है। और वो भी सुंदर रस्सी है जिस पर रेशमी फुम्मक लटक रहे हैं, और क्योंकि पांच रंगों का वो बिछौना है, पांच रंग की वो चादर है, तो उसकी तरंग झलकार कर रही है। और सर्दी की ऋतु में, क्योंकि अष्ट प्रहर की सेवा तो 10 वर्षों तक चली है, श्री लालदास जी ने दोनों ऋतुओं का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया। अब साथ में सर्दी की ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। ऋतु के अनुसार यदि गर्मी की ऋतु है तो चादर ओढ़ने के लिए, क्योंकि गर्मी में भी प्रातः काल तो कुछ कुछ ठंडक लगती है, तो इसलिए पतली चादर, और सर्दी के समय में ओढ़ने के लिए रजाई की व्यवस्था करते हैं। पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार। अब उसमें जो पर्दे लटक रहे हैं उसकी सेवा कौन करता है? सेवे प्रेमदास जोस में द्वारका दास खबरदार। पर्दा इत्यादि करने की सेवा प्रेमदास जी करते हैं और द्वारका दास जी करते हैं। पर्दा लगाने में कितना मेहनत है, मेहनत कितनी है, न के बराबर। लेकिन सुंदर साथ ये नहीं देख रहे कि वो इतने, इसमें कुछ ज्यादा काम तो है नहीं, कोई भी कर लेगा। उनको ये है कि हमें किसी भी रूप में श्री जी की सेवा चाहिए। पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। नारायण जी और हरि नंदन जी पलंग उठाने की सेवा करते हैं कि जैसे प्रातः काल पलंग पर से सभी वस्त्रों को, चाहे वो गद्दा हो चाहे वो चादर हो, सबको एक बार हटा करके, उसको झाड़ करके, सारी सिलवटें समाप्त करके उसको पुनः बिछाने की सेवा ये दोनों सुंदर साथ करते हैं। कुछ दिन वो सेवा नाथा जोशी ने की, फिर मथुरा दास, गंगा दास, परमानंद, श्याम जी, इन सब ने सेवा की। देखिए एक ही सेवा है, बहुत कोई भारी भरकम कार्य नहीं है, लेकिन सबके मन में है कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। जब अष्ट प्रहर की सेवा के विषय में बात होती है तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में भी तो सेवा का उदाहरण है, लेकिन जब वर्तमान परिस्थिति को देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, सेवा का उदाहरण सीखना है तो सिखों से सीखो, सेवा का उदाहरण सीखना है तो राधा स्वामी मतावलंबियों से सीखो या किसी और मत से सीखो, लेकिन निजानंद संप्रदाय में तो सेवा दिखती नहीं है। और इसीलिए नहीं दिखती, मुझे एक कारण ऐसा प्रतीत होता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने सेवा पूजा के माध्यम से ये कहा कि तुम सद्गुरु दीपक भय कियो जो आप समान,
तो सदगुरु ने हमें अपने समान बना दिया, अब सेवा कौन करेगा? हम खुद ही महादेव हैं ना, तो हमें वरदान कौन देगा? तो इसलिए हम सभी स्वयंभू हकीकत बहादुर और मारफत लाल हैं। इसलिए हकीकत मारिफत से नीचे की हम बात नहीं करते, इसलिए सेवा का महत्व हमें पता नहीं है। जबकि जब हम इन सुंदर साथ की सेवा भाव का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं, वो भी क्या सुंदर साथ थे और वो भी क्या दिन होंगे कि साक्षात अक्षरातीत सामने हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अष्ट प्रहर की सेवा को हम केवल नाम के रूप में ना पढ़े, हम केवल एक कैरेक्टर के रूप में ना पढ़े कि इन्होंने ये सेवा की इतने दिन तक की, उसके लिए ना पढ़े। हम इस भाव से अष्ट प्रहर की सेवा को पढ़ें, जाने सुने कि यदि हम उन ब्रह्मात्माओं के स्थान पर होते और हमारे सामने साक्षात श्री जी विराजमान होते तो हम उनकी किस भावना से सेवा करते, किस प्रेम से सेवा करते। यूं समझ लीजिए कि साक्षात अक्षरातीत सामने है, जो अनंत प्रेम का सागर है, जिनसे हम अनंत प्रेम करते हैं, तो हम कैसे सेवा करते, उस भाव को यदि हम लेंगे तो अष्ट प्रहर को समझना आसान होगा। अन्यथा कैसा लगेगा कि नाम है, इन्होंने सेवा की, ये सेवा की, इतने दिनों तक सेवा की, तो उसमें लगेगा कि ये तो केवल जानकारी, ये केवल जानकारी नहीं, ये भाव है। अगर केवल जानकारी देनी होती, मैं आपको बताऊं कि अष्ट प्रहर की सेवा प्रारंभ हो रही है 62वें प्रकरण के बाद और समापन हो रही 73वें प्रकरण में, लगभग लगभग 900 चौपाई के आसपास, 800 चौपाई के आसपास अष्ट प्रहर में चौपाइयां हैं। लगभग प्रत्येक प्रकरण में किसी में 80, किसी में 100, इस तरह से चौपाइयां हैं। इससे पहले कई जगह ऐसे हैं, चाहे वो सूरत से निकलने का प्रसंग हो, कितने सुंदर साथ निकले होंगे, 500 सुंदर साथ निकले थे, नाम कितने का वर्णित किया है, 50 लोगों का नाम होगा उसमें, सबका नाम क्यों नहीं लिखा। अगर केवल जानकारी देने की बात होती तो वहां पर भी सबका नाम देते, लेकिन यहां श्री लालदास जी का उद्देश्य जानकारी देना नहीं है कि इन इन ने सेवा की। यहाँ पर हम सुंदर साथ को पहचान कराना है। जब जब भी मैं अष्ट प्रहर को पढ़ता हूँ या इसके विषय में बात कर रहा होता हूँ, तो हर बार कुछ नया भाव सामने निकल करके आता है। मैं अभी बिस्तर की बात कर रहा था, एक बिस्तर बिछाने की सेवा में प्रेमदास, द्वारिकादास, नारायण, हरनंदन, नाथा, मथुरा, गंगादास, परमानंद, 8 लोगों का नाम आ गया, जबकि एक व्यक्ति भी ये सेवा कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण यही था कि हर सुंदर साथ के मन में ये भाव है कि मुझे सेवा करनी है। और कैसे सेवा कर रहे हैं? कहते हैं, चारों चित्त सो करें जान धाम धनी अर्धांग। जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमारे धामधनी है और हम उनकी अर्धांगिनी, ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म रूपा, ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो हम हमारे आत्मा के पति की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से वो सेवा करते हैं। आगे कहते हैं, माणिक सेवा स्नेह सो सब सेवा में खबरदार। माणिक भाई जी लगभग सभी प्रकार की सेवा में वो सावधान रहते हैं, दिन रात श्री जी के पास रहते हैं कि कभी भी किसी सेवा की आवश्यकता होती है। कुछ न करते हुए भी हमेशा सब कुछ करने के लिए हाजिर रहना, ये भी एक सेवा है। आगे कह रहे हैं, छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना। जमुना जी उन्होंने पहले सेवा की थी जल पिलाने की, और बाद में लौकिक वारिस हैं ये, तो जमुना जी ने ये निवेदन किया कि मैं जो सेवा कर रही हूँ वो छबीलदास जी करें। तो इसीलिए उनको वो सेवा दी गई, जल अरुगावे छबीलदास पिछली रात रहे घड़ी दोए। पिछली रात घड़ी दोए अर्थात रात के
प्रहर समाप्त होने में दो घड़ी बाकी है, लगभग 5:15 बजे का समय है। श्री जी को जल पिलाने की सेवा करते हैं। पुरबाई को राज ने रीझ की सेवा दई एह, पिछली रात को अरुगाव ने ल्यावे लोटा जल के। पुरबाई एक और सुंदर साथ है जिनको श्री जी ने प्रसन्न होकर के ये सेवा दी है। प्रातः काल श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा करने के लिए अगरदास जी, गुल जी आते हैं, कभी कभी माओ जी आते हैं, और उसी सेवा के लिए कभी रामबाई आ रहे हैं। कुछ दिनों तक खेमदास जी ने ये सेवा की है, कुछ दिन तक जादीबाई ने ये सेवा की है। तो ये सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा करते हैं, क्योंकि श्री जी रात भर सोए नहीं है। बैठे बैठे चर्चा करना, चितवनी कराना, सोचे परेशानी तो होती है, क्योंकि तन तो नश्वर ही है। उम्र कितनी हो चुकी है पन्ना जी, पहुंचते 40 में पहुंचे हैं, लगभग 65 वर्ष की उम्र में पन्ना जी पहुंचे हैं, और ये सेवा तो अगले 10 वर्षों तक चलती है। आगे कह रहे हैं, उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय। प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी अरुण उदय, अरुण अर्थात सूर्योदय के समय में अपने पलंग से उठते हैं। साथ में जो निकट सेवा के रहने वाले सुंदर साथ है वो हजूरी के रूप में हाजिर है। सर्दी की ऋतु में बिहारी दाह जी अंगीठी लेकर के आते हैं। अंगीठी अर्थात आजकल की तरह हीटर, ब्लोअर, इन सब की तो व्यवस्था थी नहीं, तो किसी धातु के पात्र में, लोहा इत्यादि के पात्र में वो अंगारे भर कर के लेके आते हैं, गरम गरम कोयले जलते हुए, ताकि श्री जी के पास में कुछ गर्मी की जा सके। और तपावे श्रीराज को इन समय ये सेवा है खास। श्री जी को अगर सर्दी लग रही है तो उन्हें उस अंगीठी से गर्म करने की सेवा करते हैं। रुमाल रतन बाई का भिजाई ताते जल, क्योंकि सर्दी का समय है तो उस समय रतन बाई जी गरम गुनगुने जल में रुमाल को भिगो करके श्री जी को देने की सेवा करते हैं, जिससे श्री जी अपने नेत्रों को पोंछते हैं। और ये सुंदर साथ भी कैसे सेवा कर रहे हैं, ए सेवे दिल निर्मल। सेवा ऐसे नहीं होती है, हमारे मन में सेवा की भावना प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। लोग तीन प्रकार की सेवा करते हैं। पहली सेवा जो वास्तव में पहचान करके होती है, जिससे वाणी कहती है कि सेवा कीजिए पहचान चित्त धरा। पहचान के साथ में अपनी आत्मा के लाभ के लिए, अपनी आत्मा के आनंद के लिए सेवा करना, ये पहली सेवा है जो उत्तम है। दूसरी सेवा है इस संसार में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सेवा करना, और तीसरी सेवा है किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि मैं उससे ज्यादा काम करूंगा तो लोग मुझे ज्यादा जानेंगे, उसे कम जानेंगे। इस तरह से भी सेवा होती है। हमारे मन में तो कई बार क्या होता है कि कोई, पहली बात तो ये कि हम देख करके सेवा नहीं करते, कोई आकर के बता दे कि ये सेवा है तो तब भी हमें बुरा लगता है कि आराम कर रहे थे, अभी ढंग से आराम से शांति से सोने भी नहीं देते, अभी तो खाना खा के लेटे थे। इस तरह की हमारे अंदर झुंझलाहट आती है, झल्लाहट आती है, ये निर्मलता नहीं है। ये तो निर्मल हृदय से श्री जी की सेवा करते हैं। धनी जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भूम से प्रातः उठे इंठम। धन जी, ताराबाई, कन्नड़, गंगाराम, ये सब श्री जी के चरणों में आकर के तीजी भूम से उठने का जो वर्णन है, तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, इस प्रकरण का गायन करते हैं। ये नित्य गावत हैं और साथी गावे कोई कोई, ये तो प्रतिदिन गायन करते हैं, और बाकी कुछ सुंदर साथी जो बीच बीच में आते हैं और इस वाणी का गायन करके श्री जी को रिझाते हैं। अब उसके बाद श्री जी को वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। पहले प्रेमदास जी ने ये सेवा की, फिर
रामचंद्र जी और नंदराम जी ने भी ये सेवा की। उसके बाद वल्लभ दास जी के पास ये सेवा गई। पुनः बिहारी दास जी ने ये सेवा ली और बिहारी दास जी ने जब सेवा ली, सर्दी की ऋतु होती है तो क्या करते हैं, जो अंगीठी वो लेकर के आते हैं उसमें वस्त्रों को दोनों वक्त गर्म करते हैं उन कपड़ों को, और फिर उन गर्म वस्त्रों को श्री जी को धारण कराते हैं। पहले चरणा पहर के फिर गोटा कंठ पे, पहले श्री जी को चरणिया पहनाया जाता है, फिर गोटा सिर पर धारण कराया जाता है, उसके बाहर कंठ भी पहनाई जाती है। और चित्तदे चौपसों से वही पहनत है साहेब जी, श्री जी साहेब उसे धारण करते हैं जब सुंदर साथ दिल से चतुराई से वस्त्रों को पहनाते हैं। श्री जी को प्रेमदास जी मोजे पहनाते हैं। कुछ दिनों तक ये सेवा वल्लभ दास जी करते हैं और कभी श्री जी जड़ी बूटी वाले अर्थात विभिन्न प्रकार की डिजाइन से युक्त कुर्ती पहनते हैं और बाहर से पट्टू का धारण करते हैं। प्रेमदास जी वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं, श्रृंगार धारण कराने की सेवा करते हैं। नंद राम शामिल रहे संग लाल कस बांधन हार। अब नंदराम जी भी श्री जी को कुर्ता पहनाने की सेवा में शामिल होते हैं। सोचिए कि एक कुर्ता पहनाना है और पहनाने वाले कितने हैं, गिनते तो नहीं होंगे आप, नहीं गिनेंगे तब भी इतना तो पता है कि अनेक सुंदर साथ हैं। और लालदास जी के मन में यह भाव है कि सब सुंदर साथ वस्त्र पहनाने की सेवा कर रहे हैं, मैं भी बीच में थोड़ा सा हाथ लगा दूं। श्री जी के कुर्ते का कस बांधने में वो हाथ लगाते हैं, इतनी सेवा करते हैं। कभी लालबाई जी ये सेवा करते हैं, मकरंद दास जी ये सेवा करते हैं। कस बांधने की सेवा भी एक सुंदर साथ नहीं, लालदास जी, मकरंद दास जी, लालबाई जी ये सेवा कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, जब पहुंचे इत महाराज पहनावत श्रृंगार। जब कभी महाराजा छत्रसाल जी पहुंचते हैं यदि प्रातः के पहले प्रहर में श्री जी के श्रृंगार के वक्त, तो छत्रसाल जी ये सेवा करते हैं। सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार। क्या जान करके, धाम धनी जान करके, कोई संत थोड़ी है, साधु कवि महापुरुष थोड़ी है, धाम के धनी जान करके श्री लालदास जी, छत्रसाल जी या जिन जिन सुंदर साथ का ऊपर नाम लिया ये सभी सेवा करते हैं। उसके बाद अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी को नित्य क्रिया के लिए शौच इत्यादि के लिए जाना है, तो वल्लभ जीवी प्रेमबाई ये शौचालय बनाने की सेवा करते हैं। आजकल की तरह पक्के घर तो होते नहीं थे, पक्के शौचालय तो होते नहीं थे, तो पहले क्या किया जाता था कि चारों तरफ कपड़े बांध करके, कपड़ा टांग करके उसको इस तरह से खड़ा किया जाता था ताकि किसी को दिखाई ना पड़े। और ये सेवा भी सुंदर साथ ने ली। प्रातः समय पधारत हरिवंश के घर, श्री जी पहले तो उठ करके हरिवंश जी के घर जाते हैं। श्री जी पांव जमीन पर ना रखें इसके लिए लालबाई जी, श्री जी जहां चरण धरते हैं वहां पावड़ा बिछाती है। अब कुछ दिनों तक शौचालय की सेवा घनश्याम जी करते हैं, फिर हरिवंश जी करते हैं, और श्री जी के चलते हुए श्री जी को खड़ाऊ पहनाने की जो सेवा है, खड़ाऊ पहनानी नहीं पड़ती उसमें, तो श्री जी अपने पांव डालेंगे, लेकिन नारायण दास जी श्री जी को खड़ाऊ पहनाने की सेवा करते हैं। अर्थात जब भी श्री जी को चलना हो तो खड़ाव ला करके श्री जी के चरणों के पास वो रख देते हैं। कुछ दिनों तक ये सेवा मोहन जी करते हैं, फिर खिमाई भाई ये सेवा करते हैं, और फिर श्री जी प्रसन्न होकर के ये सेवा वल्लभदास जी के पास, वल्लभदास जी को दे देते हैं। फिर कुछ दिनों तक पुनः खिमाई भाई ये सेवा करते हैं, और अंत तो गतवा वल्लभदास जी के पास पुनः ये सेवा आती है। पावड़ा बिछाने में वैसे तो लालबाई जी की सेवा है, पर साथ में बकाई है, किसनी है, ये सुंदर साथ इस सेवा को करते हैं।
क्योंकि जैसे जैसे श्री जी चल रहे हैं आगे आगे, अब एक पावड़ा समाप्त हुआ, दूसरा पावड़ा बिछाना है, फिर पिछले वाले पावड़े को आगे लेकर के जाना है, तो ये सुंदर साथ मिल करके सेवा करते हैं। अब इस प्रकार श्री जी नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो शौचालय, उसके बाद स्नान के लिए पानी गर्म किया जाता है, दातुन तैयार किया जाता है। कुछ दिनों तक दातुन इत्यादि की सेवा कौन करते हैं? गुल मोहम्मद और दौलत खान, जो उदयपुर के बाद श्री जी से श्री जी के चरणों में विश्वास लेकर के ईमान लेकर के आए हैं। अब क्योंकि सुबह सूर्योदय हो रहा है, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो कभी अगर धूप तेज है, तीखी है, सुंदर साथ के मन में यह भाव है कि श्री जी के चेहरे पर धूप ना पड़े, तो सूरजमुखी लेकर के, सूरजमुखी छतरी की तरह, सूरजमुखी की आकृति में छतरी जैसा कुछ है जिसको शेख बदल हाथ में पकड़ते हैं और धूप के सामने कर देते हैं ताकि श्री जी के चेहरे पर, श्री जी के मुखारविंद पर धूप ना लगे। इस तरह से अब श्री जी पहले हरवंश जी के घर पर पहुंचते हैं, वहां पर सुंदर साथ को हंसते हंसाते हैं, फिर पावड़े पर विराज पावड़े पर चलते हुए माणिक जी के घर जाते हैं और वहां पर कहते हैं, हाथ पकड़ बैठावत धन बाई राम कुंवर। श्री जी को विराजमान होना है, तब भी सुंदर साथ के मन में ये भाव है कि हम श्री जी को हाथ पकड़ करके बैठाएं। इनमें से आपको परिश्रम वाला काम कौन सा लग रहा है? काम की दृष्टि से देखे तो किसी में भी इतना परिश्रम तो नहीं है, लेकिन सुंदर साथ के मन में केवल भाव है कि हमें श्री जी की सेवा करनी है। कुछ भी मिल जाए, केवल हाथ पकड़ने की सेवा मिल जाए, कस बांधने की सेवा मिल जाए, छत्र करने की सेवा मिल जाए, पर हमें सेवा करनी है। मैं एक घटना का वर्णन बार बार करता आया हूं, इससे पहले कई बार कर चुका हूं। एक बार मैं आज से लगभग 5-6 साल पहले दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गया था, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, सुरक्षा कर्मी के रूप में, जांच करने वाले के रूप में, सफाई करने वाले के रूप में। तो एक बिल्कुल नया लड़का था, कम उम्र का। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पे जो काम करते हैं तो उसका वेतन कितना मिलता है? तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो सेवा के लिए आए हैं। मैंने कहा कि अच्छा, आप सेवा करते हैं तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? तो कहते हैं कि नहीं, हम साल भर के लिए नहीं आते, हम साल में 1 महीने की छुट्टी लेकर के आते हैं, बाकी 11 महीने हम माया का काम करते हैं, पर 1 महीने की छुट्टी पर हम आते हैं। 1 महीने अपनी सेवा करते हैं, उसके बाद जा करके अपना काम करते हैं, अपना काम संभालते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, किसी की दुकान है, सब अपने अपने काम करने वाले हैं। कमाई के लिए हम 11 महीने काम करते हैं और सेवा के लिए हम 1 महीने के लिए आते हैं। तो इस तरह से 1 महीने हमारी टीम आई, अगले महीने कोई और टीम आएगी, इस तरह से साल भर तक लोग आते रहते हैं और वहां पर सेवा करने के लिए लोगों को नाम लिखाना पड़ता है, कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब जाकर के उनको बारी आती है सेवा करने की। राधा स्वामी मत में देख लीजिए, उनके यहाँ भी ऐसा ही होता है। ट्रैक्टर में, गाड़ियों में भर भर करके लोग जाते हैं और जाकर के अपने सत्संग व्यास की सेवा करते हैं। वहां पर अगर पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है, तुरंत उठा करके उसको कूड़ेदान में डाला जाता है। इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जाती है कि थोड़े इकट्ठे होंगे तो बाद में साथ में डाल देंगे। सोचिए क्यों ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि उनके पास जनबल है, और जनबल का तात्पर्य ये नहीं कि लोगों की संख्या ज्यादा है, संख्या के साथ साथ में करने वालों की संख्या अधिक है। हमारे यहाँ सलाहकारों की संख्या बहुत है, पर वास्तव में सलाह देने वाली जीभ से सहयोग करने वाले हाथ श्रेयस्कर होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सलाह देने वाली जीव से सहयोग करने वाले हाथ श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ सुंदर साथ एक छोटी सी छोटी सेवा के लिए तरसते हैं कि हमारे पास ये सेवा आए। यदि किसी कारण से
उनसे ये सेवा ली जाती है तब भी होता है कि नहीं ये ली गई तो कोई और सेवा करे। इस प्रकार सब सेवा कर रहे हैं। और साथ में एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर जो गलत परंपरा है और बीतक के इस प्रसंग को देखिए कि एक ही सेवा कितने लोग कर रहे हैं, आठ आठ लोग कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे सुंदर साथ को दिया जा रहा है, पर किसी के अंदर रोष नहीं है कि ये सेवा मुझसे क्यों ली गई। सबके अंदर ये भाव है कि अगर कोई मुझसे अधिक प्रेम से सेवा करके श्री जी को रिझा सकता है तो फिर श्री जी का रिझना अति आवश्यक है, श्री जी को सुविधा पहुंचाना अधिक आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं कि मैं ही करूं। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी का नाम किसी सेवा के साथ जुड़ा हुआ है और उनसे ये कह दिया जाए कि सुंदर साथ जी आपसे ये सेवा नहीं हो पा रही है, ये सेवा आप हमें दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए, उनके अहंकार को ठेस पहुंचता है कि ऐसा कैसे हो गया कि हमसे ये ज्यादा जानकार हो गए। इस तरह से बात की जाती है और फिर सेवा या लक्ष्य बाधित होती है। और ये सभी विभाग में, चाहे वो शारीरिक सेवा हो, चाहे बौद्धिक सेवा हो, चाहे आर्थिक सेवा हो, हर सेवा में ये बात देखने को मिलती है। ज्ञान की भी सेवा की बात हो तो ज्ञानी ज्ञानियों में भी आपस में ये होता है कि नहीं यहाँ पर मैं ही करूँ, ये मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। मुझे तो लगता था कि पहले की क्षेत्र जो है वो पशुओं का निर्धारित होता है, यहाँ विद्वान क्षेत्र बांट लेते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, ये तो राष्ट्रों के बीच में भी नहीं होता। आजकल अगर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ये भी दूसरे देशों में जा करके अपना काम करती हैं, अपना व्यवसाय करती हैं। जैसे जिस चीन को भारत का कट्टर दुश्मन समझा जाता है, उस चीन के भारत में पचासों कंपनीज होंगे, पचासों बिजनेस होंगे, काम चल रहा है ना। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे कंपनी होंगे जो यहाँ पर काम करते होंगे। जिन अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक यहाँ पर राज किया, जिन अंग्रेजों को भगाने में इतने शहीदों ने योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, आज उन्हीं अंग्रेजों की कंपनियां यहाँ पर काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ विद्वानों में क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में दूसरा प्रचारक नहीं आना चाहिए, कैसे आ गया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसने मुझसे थोड़ी अच्छी चर्चा कर दी तो मेरे जो बाड़े के भेड़ बकरियां हैं वो उसके बाड़े में न चली जाए। जबकि होना क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अधिक विद्वान क्यों ना हो, लेकिन यदि किसी विशेष स्थान में उसकी विद्वत्ता काम न आकर के किसी साधारण बोलने वाले व्यक्ति की सरल भाषा काम आती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर उस व्यक्ति से चर्चा करानी चाहिए। विद्वत्ता प्रदर्शन हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति चर्चा करे जिसकी चर्चा से यहाँ के लोगों को बात समझ में आएगी। तो ये बात मुझे अष्ट प्रहर की सेवा से सीखने को मिलती है कि हमें लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कौन कर रहा है। राज्य की सेवा होना महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में, चाहे शारीरिक सेवा हो चाहे कोई भी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज से लगभग 5 साल पहले की घटना है, ज्ञानपीठ में एक विशेष स्थान की सेवा, एक विशेष सेवा एक विशेष राज्य के सुंदर साथ करते थे। फिर दूसरे स्थान के सुंदर साथ ने आकर के स्वामी जी के पास बात की कि स्वामी जी हम इस सेवा को करना चाहते हैं, क्योंकि वहां के सुंदर साथ के पास और भी सेवा है, हमारे पास कोई सेवा नहीं है, ये सेवा हमें दी जाए, और यदि हम ये सेवा करेंगे तो इसमें बचत भी होगी और अनाज इत्यादि का नुकसान भी नहीं होगा, या फिर पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, व्यवस्था भी हम सही ढंग से करेंगे। अब भावना तो अच्छी थी, तो पहले जो सुंदर साथ सेवा कर रहे थे उन्होंने मन में ले लिया कि ये तो हमसे सेवा छीनी जा रही है, हमने क्या ऐसा कर दिया, हम में ऐसी कौन सी कमी थी और ये हमसे ऐसा कौन सा अच्छा कर लेंगे। जबकि होना क्या चाहिए था, मेरे विचार में होना ये चाहिए था कि दोनों मिलकर के सेवा करते,
एक को पहले की सेवा का अनुभव था और दूसरे के मन में भाव था, दोनों मिलके सेवा करते पर नहीं। बात कहा सुनी तक आ गई और बाद में स्वामी जी ने कहा कि नहीं, दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। और फिर मिलकर के सेवा भी हुई, पर हम प्रारंभ में अपने अहंकार पर ले लेते हैं, क्योंकि हमने राज्य से प्रेम नहीं किया, हमने अपने अहंकार से प्रेम किया है। पर अष्ट प्रहर की सेवा हमें सिखाती है कि राज्य को रिझाना अधिक आवश्यक है। जैसे कि परम धाम की लीला में वर्णन आता है ना कि एक ले चली शाक कटोरी, तापर छीन ले चली दूसरी, है ना, और दूसरी से तीसरी छीन के लेके जाती है। पर वहां पर क्या कहा गया है कि पर रोष न काहू किन पे, एक का दूसरे के प्रति कोई रोष नहीं है, एक की दूसरे के प्रति नाराजगी नहीं है। तो ये भाव यहाँ पर भी सेवा के संदर्भ में हमें आनी चाहिए कि हम सेवा करें, लक्ष्य पूर्ण हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है। कौन कर रहा है ये नहीं, इसको हम वन मैन शो न समझें, इसको हम ऐसे समझें कि ये रिले दौड़ है। उसमें क्या होता है दौड़ में कि एक खिलाड़ी भागता है और भागते भागते उसके हाथ में चाहे मशाल है, चाहे कोई भी वस्तु है, चिन्ह है, वो दूसरे साथी तक पहुंचाता है और दूसरा साथी फिर आगे भाग करके अपने तीसरे साथी को देता है। इस तरह से दौड़ रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर के परिश्रम किया तो टीम जीतती है। यहाँ अगर हम ये कहें कि नहीं मेरे से ही ये काम होना चाहिए, मेरा ही नहीं नाम होना चाहिए, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। फिर हमारा काम उस केकड़े की तरह होगा जो दूसरे केकड़े की टांग खींचते रहता है और किसी भी केकड़े को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सिखापन हमें अष्ट प्रहर की सेवा से मिलती है। अब ये तो सर्दी की ऋतु की बात की, गर्मी की ऋतु में श्री जी प्रातः काल ही स्नान कर लेते हैं दातुन इत्यादि के पश्चात, और स्नान के बाद श्री जी प्रातः रास के लिए नाश्ते के लिए हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद जो जल है उसे भी शंकर जो सुंदर साथ है उनके मन में भाव होता है कि इसको चरणामृत के रूप में सुंदर साथ को दिया जाए, तो शंकर जी चरणामृत बांटते हैं। स्नान के बाद श्री जी तिलक करते हैं, चंदन करते हैं, जो फकीरी वेश उन्होंने धारण किया था पहले उसको उन्होंने पूरी तरह से त्यागा नहीं है। छत्रसाल जी के भाव को देखते हुए बीच बीच में उन्होंने राजसी वस्त्र का श्रृंगार भी किया, पर फकीरी वेश को भी उन्होंने त्यागा नहीं। तो कभी वो फकीरी वेश धारण करते हैं, कभी वो सुंदर साथ के भाव के अनुसार राजसी वस्त्र भी धारण करते हैं। अब आगे स्नान के बाद श्रृंगार की बात चल रही है, भिन्न भिन्न सुंदर साथ है जो श्रृंगार कराते हैं। अब क्योंकि मैं सबके नाम लेने लगूंगा तो मुझे लगता है कि 25 तारीख तक ये पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं सभी नाम न लेते हुए जो प्रमुख प्रसंग है उनका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि सिखापन जो है वो हर प्रसंग में से हमें मिलता है। अब श्रृंगार के समय में कहते हैं इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बीटी बदले दई अपने हाथ उतार। श्री जी के श्रृंगार के समय में जब कभी महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वो श्रृंगार कराने की सेवा करते हैं, अपने हाथ से अंगूठी उतार करके, क्योंकि अब राजा है तो वो बहुमूल्य हार ही होगा। लेकिन बात केवल हार की कीमत की नहीं है, उनके मन में जो भाव है श्री जी के प्रति, अपने हाथ की अंगूठी उतार करके श्री जी के हाथ में वो पहना देते हैं। बाईजीराज जी गोदावरी और रुक्मिणी जी के साथ श्री जी के वस्त्रों को लेकर के आते हैं, आभूषणों को लेकर के आते हैं, जो कि चांदी की थाली में लेकर के आए होते हैं, जिसे महाराजा छत्रसाल जी और बाकी सुंदर साथ श्री जी को धारण कराते हैं। मैंने इसलिए इस प्रसंग में छत्रसाल जी का नाम लेकर के बताना उचित समझा, क्योंकि ये प्रथम प्रहर है। कितने बजे? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, और रात्रि का 7वां प्रहर जो कि रात के 12 से 3 बजे तक चलता है, तो सुबह के 6 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक के प्रथम से लेकर 7वें प्रहर में प्रत्येक प्रहर में महाराजा छत्रसाल जी का नाम आता है।
और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम सेवा के लिए बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, समय न होने का बहाना कि हमें इनको भी देखना होता है, उनको भी देखना होता है। जो विद्यार्थी हैं वो कहेंगे कि हमें पढ़ाई करनी होती है, परीक्षा की तैयारी करनी होती है। जो जॉब करते हैं वो कहते हैं कि हम 8 घंटे तो ऑफिस में रह के आते हैं, तो सेवा के लिए समय कहाँ से निकालें। लेकिन दिन में औसतन 3 से 4 घंटे मोबाइल के लिए, टेलीविजन के लिए, मनोरंजन के लिए निकल जाता है, सेवा के लिए नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ। महाराजा छत्रसाल जी के पास ज्यादा काम नहीं है हमसे, बस बुंदेलखंड के राजा हैं। बुंदेलखंड भी बहुत बड़ा नहीं है, कितना बड़ा है, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, इतना बड़ा है। आज का पूरा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में, और उतना ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा, क्योंकि वर्तमान में झांसी इत्यादि उत्तर प्रदेश में आता है, पर पहले बुंदेलखंड में ही था। तो इतने बड़े खंड के वो राजा हैं, और ज्यादा बड़ा काम भी नहीं होगा उस दृष्टि से, तो है ना, क्योंकि राज्य की जनता को ही तो देखना है, है कि नहीं। तो हमसे ज्यादा काम तो नहीं था उनके पास, जनता को देखना है। अपने जीवन में लड़ाइयां उन्होंने कितनी लड़ी, तो राज्य को भी संभालना है, लड़ाई भी करनी है, और उसके बावजूद अच्छा घर परिवार भी तो संभाला है ना। आज जो सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं हम तो गृहस्थ में हैं, कैसे सेवा करें, छत्रसाल जी की 3 पत्नियां थी, फिर भी उन्होंने सेवा की, पत्नियों ने भी सेवा की, उनके बच्चों ने भी सेवा की। तो अगर भाव हो तो फिर सब रास्ते निकल जाते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 घंटा मनोरंजन के लिए निकाला, उसमें से 2 घंटा आप रख लीजिए, लेकिन 1 घंटा आप सेवा के लिए तो दे सकते हैं ना। और जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए उपाय ही उपाय है। आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि पिछले वार्षिक उत्सव में जो आह्वान किया गया था सुंदर साथ को सेवा के लिए, तो कई सुंदर साथ सेवा के लिए तैयार हुए और घर में रहते हुए वो सेवा करते हैं। मैं आपको बताऊं सुंदर साथ क्या क्या सेवा कर रहे हैं आज घर में रहते हुए। 3 किताबों की टाइपिंग की सेवा ज्ञानपीठ के बाहर रहने वाले सुंदर साथ ने की। 3 किताबें जो नई इस वार्षिक उत्सव में छपने जा रही है। प्रत्येक दिन ज्ञानपीठ के YouTube और Facebook पे जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं 1-1 मिनट वाले, वो सेवा घर पर रहने वाले सुंदर साथ ने की है, जिनमें से आधे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी वो सेवा करते हैं। इसी तरह से कोई लेख लिखने की सेवा कर रहा है, कोई वीडियो सुन करके आइडेंटिफिकेशन की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरह का योगदान दे रहा है, सब लोग सेवा कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारा गृहस्थी चलाने के लिए तो 8 घंटे काम करना पर्याप्त था, पर हम 4 घंटे एक्स्ट्रा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेवा दे सके। तो इस तरह से घर में रहने वाले सुंदर साथ भी सेवा कर सकते हैं। राजा राम झांझन भाई गृहस्थी नहीं थे क्या? वो तो व्यवसायी थे, व्यापारी थे, बिजनेस था, सबने सेवा की। तो महाराजा छत्रसाल जी का मैं वर्णन इसीलिए कर रहा था क्योंकि इतने बड़े राजा महाराजा होते हुए भी संपूर्ण बुंदेलखंड की प्रजा को संभालते हुए, समय समय पर लड़ाइयां करते हुए, अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करते हुए फिर उन्होंने सेवा की। और सुबह के 6 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक 7 प्रहर तक निरंतर वो सेवा में तत्पर होते हैं। इस प्रकार अब श्री जी को वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना करके तैयार किया जाता है, और उसके बाद श्री जी लटकनी मटकनी अर्थात मस्ती भरी चाल से चलते हुए अपने पलंग पर आकर के विराजमान होते हैं, क्योंकि अब चर्चा का समय हो रहा है, प्रातः काल की चर्चा का समय हो रहा है। और चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे आकर के कौन बैठता है पता है? मुरलीधर जी। कहते हैं कि सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देत बनाए, कान दे रहे हैं
और कान से बड़ी बात उन्होंने दिल दे करके सुना है। जहां दिल दिया जाए वहां अलग से कान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने श्री जी को अपना हृदय दिया तो कान और आंख अपने आप ही श्री जी के पास हैं और वो इस तरह से चर्चा सुनते हैं कि अब अगला जो प्रहर है जिसको हम दूसरा प्रहर कहेंगे, उस दूसरे प्रहर में लगभग 3 घंटे की चर्चा होती है और 3 घंटे मुरलीधर जी आसन से नहीं हिलते, एक टक श्री जी की आंखों में आंखें डाल करके देखते रहते हैं और श्री जी को सुनते रहते हैं और सुनते नहीं है, वो उनमें डूब जाते हैं। इस तरह से अब माणिक भाई जी के घर से आकर के श्री जी बंगला जी दरबार में अपने पलंग पर पधारे हैं और अब चर्चा का समय हुआ है। श्री महामती जी कहते हैं कि ये प्रथम प्रहर की वृत्त थी, अब इसके आगे जो दूसरी प्रहर की वितक है जिसका वर्णन हम कल सुनेंगे कि सुबह के 9 से 12 तक किस प्रकार श्री जी चर्चा करते हैं, उसके बाद दोपहर के भोजन की सेवा होती है तो कैसे सेवा करते हैं, भोजन के बाद 14 बारियां गाने वाली है तो कौन कौन सुंदर साथ गायन की सेवा में हाजिर है, ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो जाए। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महा।